हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हर उस एस्पेक्ट को जिसकी वजह से किसी भी बच्चे का इस पर्टिकुलर चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो सकता। हो सकता है आपके बहुत सारी प्रॉब्लम हो, बट जरा ध्यान से सुनना। मैं बात करने वाला हूँ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हर उस छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम की इस एक वीडियो में। हो सकता है आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंटिंग को लेकर कन्फ्यूज हों, आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग को लेकर कन्फ्यूज हों, या फिर आप बात करो अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बेस्ड अकाउंटिंग की, वहां पे कंफ्यूजन हो। सर अगर हमारा फंड एक्सपेंस ज्यादा है, सर फंड एक्सपेंसेस से एक्सेस कर जा रहा है या फिर एक्सपेंसेस फंड से एक्सेस कर जा रहा है, ट्रीटमेंट क्या होगा? सर सब्सक्रिप्शन की मेन वैल्यूज 3 इयर्स की दी गई हैं, कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, कुछ पॉइंट्स हिडन है, सर क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन की, सर सब्सक्रिप्शन मेनली सब्सक्रिप्शन में ही सर मेंबर बेस्ड अकाउंटिंग आ गई, सर अब कैसे ट्रीटमेंट करना है? या फिर सर एक्सपेंसेस में स्पेसिफिक नेचर का एक्सपेंस हुआ है, जर्नल नेचर एक्सपेंस हुआ है, क्या ट्रीटमेंट बनेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल, और इन सारे सवालों के लिए ये एक वीडियो होने वाला है। बहुत डेडिकेटली मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं। आपको पता है एनपीयू की एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसपे आप सारे बच्चों ने बहुत प्यार दिखाया, बहुत सारे व्यूज, बहुत सारे लाइक्स आए हैं। तो इस एक वीडियो में भी आपका उतना ही प्यार चाहूंगा। क्या करना है आपको पता है, मेरे एंड से मैं क्या करने चला हूं, ध्यान से सुनना। लेकिन सर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो को देखने का कुछ अलग ही तरीका होगा। आपको वीडियो कैसे देखना है सो देट आप सारी चीज़ें समझ जाओ, ध्यान से सुनना। पहले कॉपी पेन लेके मत बैठो, सिर्फ आप मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, जिसमें वीडियो देख रहे हो, पूरी तसल्ली से पूरा वीडियो सुनो। बहुत सारी बातें बोलूंगा जो लिखूंगा नहीं, और वो हर एक पॉइंट आज आपको समझ आने वाला है इस एक चैप्टर में। और जब सब समझ आ जाए वापस से वीडियो प्ले करना, नोट्स बनाना, दो चीज़ें हो गई, फिर कोई भी क्वेश्चन पिक करना, और बिलीव मी आप सिंगल शॉट में एनपीयू के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो यार आज के इस वीडियो का पर्पस बड़ा क्लियर, आपको पता है 10 नंबर आपके सीए फाउंडेशन में ये रहता है, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देना जो आप लोग के लिए जरूरी है। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सर एनपीओ में हमारा जो बेसिक कंफ्यूजन है, देखो यार हर एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, तसल्ली रखना, हर एक रीजन बताऊंगा किस वजह से, रट्टाफिकेशन नहीं। सर सीटीसी क्लासेस में कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करूंगा, हर एक पॉइंट का रीजन भी दूंगा, बस समझ के रखो, ठीक है? चलो देखो जरा, सबसे पहली बात आती है सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, ठीक है जी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो आप इसके लिए सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे एज लाइक कैश बुक। सर आप कैश बुक जैसे बनाते थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट वैसे बनेगा। आप बोलोगे सर मुझे पता है, ये मुझे क्यों जानना है? सुनना ध्यान से, जानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब एट द एंड आप बनाएंगे बैलेंस शीट, सर बैलेंस शीट कौन सी? सर रिसिप्ट एंड पेमेंट से अगर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाने को बोला, तो बैलेंस शीट दो लेवल पे बनती है सर। आपको अगर नहीं पता तो जानिए, एक है ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरी है क्लोजिंग बैलेंस शीट। सर रिसिप्ट एंड पेमेंट का इसमें क्या रोल है? सर सुनो जरा, ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो डेबिट साइड बैलेंस होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो क्रेडिट साइड बैलेंस होगा। सर बात को समझ लो अच्छे से, ओपनिंग बैलेंस शीट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन जो रिसिप्ट में पेमेंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है वो क्या है? सर वो कैश है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश को डेबिट वाला दिखाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसी का क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है, सो दैट आप इसे कंप्लीट कर सकें। मुझे मालूम है पॉइंट बहुत छोटा है, बट आज हर पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा लेकिन एनपीओ ज़रूर ख़त्म होगा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं सर, सेकेंड पॉइंट है आपका एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट। मुझे मालूम है आपने रट रखा है सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है बोलो कोई दिक्कत नहीं, बट फॉर्मेट जैसा होता है मैं वैसा बोल रहा हूं, एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट। वीडियो में कहीं कट नहीं लगेगा, जो चीज़ें होंगी मैं उसे इरेज करता चलूंगा, ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो पूरा सिर्फ सुनना है, कुछ नहीं नोट करना है, अभी बाद में वापस से वीडियो प्ले करके नोट्स बनाना। आओ जरा देखते हैं सेकेंड एक्सपेक्ट की बात करेंगे भी। सर सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर हम बात करें इनकी तो एज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको ध्यान हो तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक बेसिक रूल लगता था, सर क्या था वो रूल? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
करंट ईयर के एक्सपेंसेस, करंट ईयर की इनकम को लिखते थे, दैट्स इट, इतना ही करना है। मतलब साफ हुआ, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होंगे, आपका फोकस इतनी बात पे होगा कि इस ईयर का, जिस ईयर का बनाने को बोल रहा है, एक्सपेंसेस कितने, इनकम कितने, लिख डालो डेबिट में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में इनकम, एट द एंड जो फाइंड आउट होगा सर वो सरप्लस होगा। अब सवाल ये है, सर वैल्यू ऑफ एसेट्स का क्या करेंगे? कई बार तो क्वेश्चन में ये भी दे देता है ना, सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? वैल्यू ऑफ एसेट्स बहुत शॉर्ट हैंड बता रहा हूँ आपको, मज़ा बहुत आएगा इस चैप्टर को सीखने में, मेरा बिलीव है। पता है क्यों? रीज़न बताता हूँ। आज इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने आधे घंटे बैठ के सोचा है ऐसा क्या डिलीवर कर दूँ कि आप तारीफ किए बिना ना रुक पाएँ और ये 10 नंबर आपका हो ही जाए और आप लोग का CTC क्लास पे बिलीव और ज़्यादा बिल्ड हो जाए। चलो यार आगे बढ़ता हूँ। वैल्यू ऑफ एसेट्स मतलब मशीन दी है, बिल्डिंग दी है, कैश दिया है, फर्नीचर दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया, नहीं लिखना है। लेकिन सर अगर यहाँ पे ध्यान से देखते चलो, प्रॉफिट और लॉस ऑन एसेट्स, सर अगर प्रॉफिट या लॉस हो गया एसेट्स पे तो क्या करेंगे? सर ध्यान रखें क्या करना है। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, लॉस होता था मशीन पे, लाइक डेप्रिसिएशन भी होता था, दिखाते थे ना। मैंने क्या बोला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब साफ शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लाइन क्लियर है ना भाई लोग, एकदम समझते चलना यार। हाँ तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जैसे हम दिखाते थे वैसे ही अगर हमें एसेट्स पर, जो एसेट्स दी गई है उस पर कोई प्रॉफिट या लॉस, हो सकता है सेल हो रही हो, कुछ भी हो रहा है, वो लॉस प्रॉफिट है तो हम शो करेंगे। सिंपल हो गया। चलिए सर अच्छा थोड़ा और डिटेल करता हूँ, क्या समझ आ रहा है? इतने पॉइंट्स को समझने के बाद क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? कि करंट ईयर के जो हेड होंगे वो लिखने हैं, नोट करो, है ना, नोट करेंगे। अभी नहीं नोट करना, मैं जब वापस से वीडियो प्ले करना तब नोट करना। जो भी करंट ईयर के हेड होंगे उन्हें नोट करना है, नोट इन द सेंस किस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हर एक करंट ईयर का हेड लिखा जाएगा। अब सवाल ये आता है सर यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला हमारे पास एक्सपेंस होगा, है ना भाई, करंट ईयर में दो ही चीज़ें तो होंगी, या तो एक्सपेंस होगा या फिर इनकम होगी। सर अगर एक्सपेंस है तो ट्रीटमेंट क्या है, अगर इनकम है तो ट्रीटमेंट क्या है? क्यों सर? रीज़न यहाँ पे आता है कि अगर हमारे पास एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग भी तो हो सकता है, और अगर हमारे पास इनकम है तो सर इनकम हमारे पास प्रीपेड भी तो हो सकती है कि नहीं? तो प्रीपेड या फिर अगर हम बात करें इन लेवल पे, तो आपको समझना है बहुत छोटी सी बात है, सर अगर एक्सपेंसेस या इनकम हमारी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड हुआ तो हमें कैसे करना है इनको, इसको समझ के चलना, ठीक है? प्रीपेड तो ध्यान देंगे सर, एक्सपेंस और इनकम ये दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग भी हो सकते हैं और प्रीपेड भी हो सकते हैं। कब कौन सा ऐड करना है, लॉजिक वाइज मूव करेंगे। देखो जरा एक्सपेंस की बात करते हैं, हमारा फोकस कहाँ सर, करंट ईयर पे। अगर आपको इस साल कोई खर्चा देना बाकी रह गया, समझ रहे हो क्या, बाकी रह गया तो क्या है, देना पड़ेगा इसी साल का खर्च, है ना, ऐड करो। लेकिन अगर आपने इस साल कोई ऐसा खर्चा कर दिया जो अपकमिंग ईयर का है तो प्रीपेड है ना, और अगर प्रीपेड है तो क्या इस साल का है, नहीं, लेस कर दो, सिंपल हो गया। सर इनकम की बात करते हैं, इनकम मिलना आउटस्टैंडिंग, अभी मिलना बाकी है, पिछले साल की थी, इसी साल की, लेकिन मिली नहीं है, मिली नहीं है मतलब इस साल मिलेगी, अगर मिलेगी तो आउटस्टैंडिंग इनकम में ऐड कर दो। बट अगर इनकम एडवांस हो गई, अपकमिंग ईयर की इनकम रिसीव हो गई, मतलब अभी काम नहीं करा, काम करना बाकी है, एडवांस से भाई माइनस कर दो, बड़ा सिंपल लॉजिक है। कई बार बच्चा सब्सक्रिप्शन में कन्फ्यूज़ होता ना, मत होना, ठीक है? ओके, तो आपको ऑल इन ओवरऑल एक लाइन दिमाग में रखनी है, जब आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो करंट ईयर के हेड ही लिखे जाएंगे, सिर्फ इतना। मतलब यार मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में एक बात रखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, करंट ईयर के हेड को लिख के दिखाना है, सिंपल हो गया, ठीक है? अब अगला पॉइंट देखें जरा सर, NPO, इसको इरेज करके फिर बताता हूँ, है ना, मज़ा बहुत आएगा आज क्लास में, बिकॉज मैंने सोच लिया कि ये टॉपिक यार बहुत हो गया, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज। इवन दो संडे वार्ता मैंने पोस्ट करा कल रात में 8 बजे के आसपास, उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, सर NPO, सर NPO। तो आप चिंता ना करें, NPO, इन्वेंट्री, पार्टनरशिप, पूरी अकाउंटिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ, जो कुछ है सब मिलेगा, चिंता नहीं करना। बस आओ तीसरे पॉइंट पर मूव करते हैं सर। तीसरा पॉइंट हमारे लिए होने वाला है NPO डील इन विच ऑर्गेनाइजेशन। सर इससे मुद्दा क्या है समझना, हमारा फोकस कहाँ होगा, ध्यान से रखो इन पॉइंट्स को, फोकस फोकस फोकस। स्लॉट होने वाले समझ रहे हो,
है ना, याद आ रहा है कुछ? समझो, फोकस। तो देखो यार, फोकस हमारा कहाँ होगा? हमारा फोकस होगा क्वेश्चन में, इस लाइन पे जहाँ पे बच्चा फोकस नहीं करता है। आप क्या करते हो, सीधे क्वेश्चन का रिसीट पेमेंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखा, बाप रे बाप कैसे लगेगा ये वाला जो फील है वही नहीं लाना। क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस करो कि एनपीओ जो क्वेश्चन दिया गया है वो डील इन विच ऑर्गेनाइजेशन। अब आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, अरे इसी से तो पूरा गेम चलेगा सर, है ना। हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो एनपीओ है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन में डील करता है। क्यों सर? अरे भाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, स्पोर्ट्स क्लब की बात करें, तो वहाँ पे डीलिंग अलग अलग है ना। तो जिस तरह की डीलिंग होगी उसी तरह के एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट होगा। आओ देखो जरा, एक पॉइंट एग्जाम्पल के थ्रू ले लेता हूँ, है ना। मान लेते हैं क्वेश्चन रिलेटेड विथ स्पोर्ट्स क्लब। अब समझना, आपका एक क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग लेवल पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये किसी फलाना ढिमकाना चिमकाना स्पोर्ट्स क्लब की बात हो रही है, एक्स वाई जेड स्पोर्ट्स क्लब है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको आइडेंटिफाई करते ही आपके क्वेश्चन पढ़ने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं सर हम तो वैसे ही पढ़ेंगे। नहीं पढ़ोगे भाई, समझना, आप जैसे ही देखोगे स्पोर्ट्स क्लब है तो आप क्वेश्चन को दो लेवल पे तुरंत डिवाइड करोगे। कैसे? सबसे पहला देखो यार, आपके क्वेश्चन में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो एक तो स्पेसिफिक नेचर का होगा, दूसरा जनरल नेचर का होगा। समझ रहे हो क्या? अच्छा, कैपिटल में लिखता हूँ तो अच्छा लगेगा। देखो यार, देखो जनरल नेचर का होगा। सर क्या मतलब है इसका? बड़ा सीधा सा मतलब, एक स्पेसिफिक नेचर का मतलब साहब, कुछ बच्चों को बैच मिला है, सीटीसी क्लासेस का लोगो मिला है, वो स्पेसिफिक हो गए। कुछ को नहीं मिला वो जनरल हो गए। और आसान भाषा में आप अपने नेम के थ्रू जो जानने आते हैं आप स्पेसिफिक है ना, उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी वाइफ, उनका हस्बैंड, स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक मतलब आप अपने घर की एसेट्स हैं सर। और जनरल जो ऐसे भीड़ घूम रही है, जब हम बोलते हैं भारत का युवा बेरोजगार है, किसी का नाम लिया क्या? नहीं लिया ना। सीए फाउंडेशन में मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं, किसी का नाम लिया क्या? नहीं लिया ना। क्या हुआ? ये जनरल नेचर का है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये बच्चा फेल हुआ था जिनका सेकेंड थर्ड टर्म लगा, ध्यान से सुनो क्या हो गया। स्पेसिफिक नहीं, दिल पे मत लो, समझो इस चीज़ को, स्पेसिफिक नेचर का हो गया ना भाई। आपको लग गया, आपको दिल पे लगा स्पेसिफिक नेचर। तो समझना, जब भी स्पेसिफिक नेचर के हेड होंगे दे ऑलवेज शोन इन बैलेंस शीट। सर मेरा इससे मतलब क्या है और आसान करता हूँ। स्पेसिफिक का मतलब स्पोर्ट्स क्लब की बात हो रही, तो जिस भी हेड में क्या लग जाएगा? स्पोर्ट्स लग जाएगा। ऑल टुगेदर फिर से सुनो, अगर एजुकेशनल, हमने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया कि भाई ये तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो जिस भी हेड में ये वाला पॉइंट ऐड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? स्पेसिफिक नेचर हो जाएगा। और अगर स्पेसिफिक नेचर है तो उस हेड को किधर दिखाना है? बैलेंस शीट में दिखाना। समझ आई बात? अच्छा इधर आओ, जर्नल की बात करते हैं। मतलब क्या हुआ सर? ये वो पॉइंट है जहाँ पे उस स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ नहीं होगा। मैं भी आगे वो भी समझाऊंगा कैसे, एग्जांपल भी लेके बताऊंगा, समझ से चलो। अगर यूज़ नहीं होगा मतलब भारत का युवा बेरोजगार है, सब बेरोजगार, ऐसा वाला किधर शो करना है? शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अरे बड़ा सिंपल है भाई, समझते चलो, बहुत बेसिक लेवल पे बातें हैं। तो जैसे हम होंगे स्पेसिफिक, मतलब क्या, अगर स्पोर्ट्स क्लब की बात कर रहे हैं, देखो जरा, अच्छा यहाँ लिख के बताता हूँ, एक एक पॉइंट लिखूंगा। जैसे स्पोर्ट्स फंड, क्या हुआ सर इसमें? सोच के देखो, नाम आया ना रिलेटेड विथ नेम, पूरा लिखो इसको। आप ऐसे लिखना जब नोट्स बनाना दोबारा वीडियो देखते हुए, तो लिख लेना नोट्स बनाते वक्त रिलेटेड विथ नेम। अगर नेम से रिलेट कर गया, नेम बोले तो स्पोर्ट्स क्लब था, हेड आया स्पोर्ट्स, उसमें आगे पीछे कहीं तो लिखा है। और अगर लिखा है तो दिमाग में क्या जाना चाहिए, कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। और लिख के दिखाता हूँ, जैसे समझो स्पोर्ट्स फंड, फंड वैसे भी लायबिलिटी होता है, बट हमें ये समझना है स्पोर्ट्स क्लब का क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स वर्ड यूज़ हो गया। जैसे ही वो नाम आया हमारे दिमाग की घंटी बजी कि भाई ये तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए सर? अरे ऑब्वियस सी बात है ना, क्यों सर? ये स्पेसिफिक नेचर का हो गया, स्पेसिफिक नेचर के टर्म बैलेंस शीट में। अच्छा दूसरा,
स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, चलो ये समझो। अब देखो यार फिर से नाम में क्या आया, स्पोर्ट्स फंड, हमारा क्लब किस चीज़ का है, स्पोर्ट्स का। तो जैसे ही स्पेसिफिक होंगे कहाँ जाएंगे, सर बैलेंस शीट में जाएंगे। अच्छा दूसरा सुनो, तीसरा वर्ड देखो, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। अब समझो जरा, हमने डोनेशन दी स्पोर्ट्स फंड के लिए, स्पेसिफिक नेचर की है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। स्पेस नाम आया ना स्पोर्ट्स, किधर दिखाएंगे सर, बैलेंस शीट में। अगला देखो, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, आपने प्राइज अवार्ड करा, आगे क्या जोड़ दिया सर, स्पोर्ट्स का प्राइज अवार्ड। अगर ऐसा है तो समझ जाओ भाई ये किस नेचर का है, स्पेसिफिक कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्या पहचान रहे हो। सर नाम 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 लिखा है, समझ रहे हो क्या, अब अंडरलाइन मारता हूँ ना, स्पोर्ट्स 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 स्पोर्ट्स। अब आप बोलोगे अच्छा सर एक बात बताओ, अगर हमारे पास लिखा इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, सर ये भी तो नाम है ना, इसको नहीं शो करेंगे। करेंगे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नाम आया तो बैलेंस शीट में जाना है, बात ही खत्म है। अगला पॉइंट देखो, अच्छा एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, समझ आई क्या बात, एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल। सर स्पोर्ट्स 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 मटेरियल पे खर्चा हुआ, क्या करोगे आप, दिखाओगे बैलेंस शीट में, क्यों दिखाएंगे, नेम आइडेंटिफाई कर लिया कि जिस चीज़ का क्लब है। फिर से सुन लो, एजुकेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड जो फंड बेस्ड हो रहे हैं सब के सब किधर जाने, सर बैलेंस शीट में, नाम आइडेंटिफाई कर लेना बस। अच्छा ये एक बात और, जितने हेड मैनेजर लिखे ये सब के सब क्या हैं, लाइबिलिटी। सवाल आता है सर एसेट्स में क्या जाएगा, अरे देखो ना एसेट्स में जाएगा भाई, अगर हमने करा है डोनेशन तो यार आपके दिमाग में आना चाहिए कि डोनेशन, सिर्फ लिखा है डोनेशन, एसेट छोड़ दो अभी इसको डिस्कस ही नहीं करेंगे, बैलेंस शीट बताते हुए बताऊंगा। ऐसे समझो हमने लिखा सिर्फ डोनेशन, एक वर्ड ठीक है। अब जब लिखा था डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये डोनेशन स्पेसिफिक नेचर की है, क्यों सर स्पोर्ट्स यूज हो गया, यहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मतलब भारत का युवा बेरोजगार, और अगर ऐसा है तो क्या करना है, बड़ा सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दो। अब बट ऑब्वियस है सर, डोनेशन हम देते नहीं, हम ऑलरेडी क्या है, एनपीओ हैं, हम एनपीओ तो हम डोनेशन नहीं देंगे, हम आप, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हम एनपीओ है तो हम अपनी डोनेशन नहीं देंगे, हम डोनेशन रिसीव करेंगे। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन, ओ भाई ब्लैक पेन यूज़ करनी है, सब्सक्रिप्शन सर यहाँ पे भी क्या है, ये रिसीव होगा, हम पे नहीं करने वाले, तो ये भी क्या है सर, इनकम है सर। अच्छा ऐसे ही हम बात करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, ये देखो जरा स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर का है, एक बार इन्वेस्ट करोगे, लेकिन अगर इसी पे जो इन्वेस्टमेंट किया था इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ पे नाम आ रहा है फिर भी ध्यान रखेंगे इंटरेस्ट वर्ड जुड़ा, मतलब रिकरिंग नेचर है, तो ले आओ इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। तो भाई वर्ड पे जाते हैं, पहला रिकरिंग नेचर का दिखा तो ऑब्वियस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर का दिखा तो बहुत ऑब्वियस है बैलेंस शीट, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या, नेम आइडेंटिफाई करो, जिस चीज़ का हेड होगा उसके थ्रू मूव करना है, काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये समझ आया कि नहीं आया मुझे लाइव चैट में जल्दी से बताओ, फिर बात करते हैं कुछ और पॉइंट की। देखो ये सारी चीज़ें बताई, कुछ एक पॉइंट्स और ऐड करता हूँ उसको समझना, आज आपको मज़ा ज़रूर आएगा। एनपीओ पढ़ते वक्त बहुत बोरिंग लगता है ना, आज पूरे एक्साइटमेंट के साथ पढ़ाएंगे सर, चिंता तो करना ही नहीं। ओके सो अब सवाल ये आता है, हमने भी बात करी सर फंड क्रिएट हुआ है तो क्या करेंगे, अगर एक्सपेंस क्रिएट किया है हमने तो क्या करेंगे, सवाल ये आता है। इफ़ यू क्रिएट फंड फॉर एनी स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, लिखना बाद में, अभी नहीं, अभी सिर्फ सुनना, इफ़ यू क्रिएट एनी फंड फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, क्या मतलब है सर इसका, अगर आपने कोई फंड क्रिएट किया है, फंड क्रिएट किया है किसके लिए, स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए, तो ट्रीटमेंट कैसे जाएगा, ये समझ के रखो, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड है। सुनना, हम पहले बात करने चल रहे हैं कुछ लाइबिलिटी साइड के थ्रू, लाइबिलिटी साइड में जाएंगे और समझेंगे। अरे लाइबिलिटी साइड में लिख दिया है मैंने, इट्स नॉट मी इट्स मे, ठीक है ध्यान से देखो, लाइबिलिटी साइड में ट्रीटमेंट क्या होगा, चलो एरो बना रहा हूँ, समझ जाओगे लाइबिलिटी साइड में है, ठीक है
टोटल फंड, कौन सा फंड हमने क्या करा, इफ़ यू क्रिएट एनी फंड फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, किसी स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए जितना फंड क्रिएट किए हो टोटल फंड लिखो, माइनस क्या करोगे स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, टोटल फंड अवेलेबल माइनस स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। आप बोलोगे सर अभी सब्सक्रिप्शन पे नहीं आए, नहीं आया हूँ अभी, लेकिन जब आऊँगा तो खत्म करके जाऊँगा, चिंता नहीं करना। हमने क्या बोला सर, लाइबिलिटी साइड में जाएंगे, टोटल फंड जो अवेलेबल है लिखेंगे, उसमें से जो स्पेसिफिक एक्सपेंस हुआ माइनस कर देंगे, जो पैसा बचा उसे लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। एक सवाल ये आता है जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बोला था, कंडीशन क्या है सर अगर फंड एक्सपेंस से एक्सेस कर गया तो ट्रीटमेंट क्या है, सर अगर एक्सपेंस फंड से एक्सेस कर गया तो ट्रीटमेंट क्या है, समझना। आओ देखते हैं जरा इसको, कंडीशन वाइज जाएँ, इसको हटाएँ, हटा लेते हैं, चलो जल्दी से समझूँ आज तो भाई ओके रिपोर्ट होने वाली है सिचुएशन। सर मैं इस चैप्टर को पढ़ाते हुए बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैंने यूट्यूब पे खूब भर भर के सर्च करा कि लोगों ने एनपीओ कैसे पढ़ाया है, एंड आई एम रियली रियली बोर्ड कि यार ये क्या चल रहा है ना, घंटों घंटों की वीडियो, टॉपिक बहुत सिमिलर है, हो जाएगा देखते चलो। तो हम बात करने वाले हैं दो कंडीशन की। कई बार क्या होता है जब मैं आप किसी टॉपिक की ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं तो मुझे इस समझ में आ जाता है कि ये टॉपिक कहीं मिला नहीं लग रहा है ना, तो मुझे ढूंढना पड़ता है और फिर मैं सोचता हूँ कि इसको इस लेवल पे पढ़ाऊँ कि आप CTC क्लासेस के होके रह जाएं सर, अरे लाइबिलिटी बढ़ जाती है ना भाई, देखो जरा। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, फंड एक्सेस कर जाता है, ज़्यादा है फंड किस से, एक्सपेंसेस से, कंडीशन नंबर वन। सर कंडीशन नंबर टू, फंड कम है किस से, एक्सपेंसेस से, ऐसे बोलो या बोल दो एक्सपेंस ज़्यादा है किस से, सर फंड से। तो क्या होगा आओ समझ के देखते हैं। यार मान लो हमारे पास यहाँ फंड है 5 लाख रुपए का और हमने खर्च किया 3,50,000 रुपए, क्या एक्सेस क्या है सर, फंड एक्सेस है। फंड क्या होता है सर, लाइबिलिटी होता है सर, ज़्यादा क्या बचा, फंड बचा, तो लाइबिलिटी साइड में कितना, 1,50,000 सर, बड़ा सिंपल है। अच्छा इधर आओ सर, फंड है 5 लाख का अभी भी, लेकिन खर्चे हो गए 7 लाख के, सर एक्सेस क्या है सर, खर्चा एक्सेस है सर, कितना एक्सेस है सर, 2 लाख रुपए एक्सेस है। खर्चे किधर जाते हैं सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कौन से साइड पे सर, डेबिट साइड बोले तो एक्सपेंडिचर के साइड पे। ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं जल्दी से बोलो, लाइव चैट में क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसा कुछ और बच नहीं रहा जो मुझे बताना चाहिए, बहुत छोटा पॉइंट था ये। आओ और पॉइंट पे मूव करते हैं, मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा ना हर एस्पेक्ट को टच करने वाला हूँ जहाँ पे आप कंफ्यूज रहते हो। तो अगला पॉइंट हमारे पास आता है एंट्रेंस फीस और साथ में लाइफ मेंबरशिप फीस, देखते हैं जरा। ओके सर, एंट्रेंस फी एंड लाइफ मेंबरशिप फी समझ के रखो। इंट्रेंस फीस भाई मेरे, जितनी बार तुम इंटर करोगे हर बार लूँगा। लाइफ मेंबरशिप नाम है पूरी ज़िंदगी के लिए मेंबरशिप फीस, तो पूरी ज़िंदगी के लिए है तो किस नेचर का है, रिकरिंग नेचर, रिपीटेटिव नेचर का है, नहीं है सर। ये कौन से नेचर का है, रिकरिंग नेचर। ओके ये सॉरी ये कौन सा नेचर है सर, कैपिटल नेचर, और इनका नेचर ही आइडेंटिफाई कर देगा इन्हें किधर शो करना है। भाई पैसा ले लिया ज़िंदगी भर के लिए, काम करना बाकी है लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में। सर हर बार लेंगे, हर बार पैसा लेंगे, लेंगे इनकम है, इनकम है किधर दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। सर समझ आया कि नहीं आया। अब आते हैं आपके सबसे चहेते सवाल, सब्सक्रिप्शन पे। चलो हो भाई सब्सक्रिप्शन, आइए जी सब्सक्रिप्शन को भी आज ख़त्म कर ही लेते हैं, बहुत हो गया सब्सक्रिप्शन। हाँ ये ध्यान रखना एनपीओ क्वेश्चन लगाते हो सबसे पहले पॉइंट पर मूव कर जाना कि भाई क्वेश्चन है किसका, हेड कौन सा, उसके हिसाब से क्वेश्चन लगाना। तो अगली हेडिंग, मोस्ट डिमांडिंग हेडिंग, सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहला सवाल सर, सब्सक्रिप्शन है क्या, ऑब्वियस सी बात है सर सब्सक्रिप्शन है हमारे लिए इनकम। क्वेश्चन में पंगा कहाँ शुरू होता है सर, क्वेश्चन में पंगा आता है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2018 से 19 है ना, 2019 से 20, 2020 से 21। अब सवाल यहाँ क्रिएट होता है सर, कंफ्यूजन, 3 साल का दे दिया सर सब्सक्रिप्शन, अब कैसे लगाएंगे। देखो यार
इससे मतलब रखो ही नहीं, क्यों नहीं रखो सर? अरे ये पिछले साल का है, ये आने वाले साल का है, और अभी बात करी थी हम जब भी बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हमारा फोकस कहाँ सर? करंट ईयर पे बार बार बोलेंगे, बोलो बच्चों फोकस कहाँ सर? करंट ईयर पे, नहीं फिर से बोलो कहाँ सर? करंट ईयर पे। अगर करंट ईयर पे, तो अपने पास करंट ईयर कौन सा है? 19-20, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा हूँ, तो हमें 19-20 पर ही फोकस रखना है, इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं। अब सबसे मत इसका सीधा सा मतलब क्या है पता है? हम ऐसा लिखेंगे बढ़िया सा सुंदर सा, अच्छा है क्या ये सर? इनकम है सर, तो कौन सी साइड पे जाएगी? क्रेडिट साइड पे। अच्छा कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना मिला वो लिखा। इतनी बात समझ आई क्या? कितना मिला वो लिख दिया आपने। अच्छा इसके बाद अब आप कंफ्यूज रहते हैं सर, कौन सा वाला ऐड करना है सर, कौन सा वाला हटाना है सर? रटना है तो सुन लो जरा जल्दी से। ऐड करेंगे क्या? आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब सुनो, आउटस्टैंडिंग एट द एंड अगर ऐड हो रहा है तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्या होगा? सोचिए, देखो सर माइनस होगा सर, है ना? और एडवांस, अरे रुकना रुकना रुकना, कमेंट करने से पहले रीजन बताऊंगा, रुके रहो। एडवांस एट द बिगिनिंग इसको ऐड करेंगे, और लेस क्या करेंगे सर? ऑब्वियस सी बात है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और एडवांस एट द एंड, ये लिख दिया सर। अब आपका सवाल, सर इसको ऐड क्यों करना है? सुनो यार, सिंपल है, आउटस्टैंडिंग कब है? एंड में, मतलब पूरे साल तुम पैसा नहीं दे सके, तुमको देना तो पड़ेगा ना, तो ये भाई जो आउटस्टैंडिंग है ये कब का है? अरे ये करंट ईयर का है यार, तो करंट ईयर का है। हमने क्या बोला इसमें, क्या लिखते हैं? करंट ईयर। ऐड करना बनता है कि नहीं सोच के देखो। अच्छा एडवांस एट द बिगिनिंग, भाई ये बिगिनिंग में एडवांस था, साल ख़त्म होते होते इसी साल का हो जाएगा ना। फिर से सुनो, बिगिनिंग में कोई चीज़ एडवांस है, साल ख़त्म होते होते वो इसी साल की तो हो जाएगी, आपने इसी साल की, तो ये तो पिछले साल, समझते हैं, आपने इस साल के लिए इस साल में पेमेंट कर दी थी, तो बिगिनिंग में ये एडवांस थी लेकिन साल ख़त्म होते होते इसी साल के लिए दिए थे ना, तो ये भी क्या हो गया सर? करंट ईयर। हमने क्या बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर के हेड लिखते हैं, तो हमने ऐड किया, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा अगला सुनो, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, सर बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये इस साल का नहीं है। अरे भाई क्यों बोल रहे हैं ऐसा, समझो ना, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये हमारा फिनेंशियल ईयर है। अगर कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, कोई चीज़ यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2019, ठीक इसके यहाँ वाले पे, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का नहीं है। नहीं है तो लेसे कर दो। अच्छा अगला सुनो, एडवांस एट द एंड, यहाँ पे कोई चीज़ एडवांस कर दी, मतलब अल्टीमेटली एडवांस कब के लिए हुआ? एडवांस हो गया 1 अप्रैल 2020 के लिए, मतलब आने वाले साल के लिए। अगेन क्या ये इस ईयर का है? नहीं है सर, है ना? नहीं है तो अरे सिंपली माइनस कर दो, करना ही क्या है? लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ऐसा चलेंगे हम लोग, ठीक है। सो हमने अभी क्या क्या बात करी जरा देखते हैं। हमने आपको बोला फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में, फिर हमने अभी बात करी सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में, साथ में हमने बात करी कि अगर कोई एजुकेशनल है या फिर कोई स्पोर्ट्स क्लब से रिलेटेड है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ तक तो क्लियर है ना? अब एक सवाल सर, सब्सक्रिप्शन पे कोई छोटा सा अगर बता देते मज़ा आ जाता है ना, आओ देखते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है? कैसे कैसे बताया, रटने के लिए मैंने क्या बोला है? पहली बात तो रटना नहीं, लेकिन अगर आप एकदम वही हो कि नहीं यार मेरे को तो रटना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड याद कर लो तो बिगिनिंग अपने आप माइनस हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस में है और एडवांस एट द बिगिनिंग प्लस में है, है ना? तो अगर बिगिनिंग प्लस है तो एंड ऑब्वियस ही बात है एडवांस का लेस होगा, है ना? चलो अब बढ़ते हैं जरा इसी के किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, जहाँ पे मैं मेंबर्स वाली भी बात करूँगा और आप कन्फ्यूज क्यों रहते हैं वो भी बात करूँगा, ठीक है? जैसा मैंने स्टार्टिंग बोला था, अरे बहुत लंबे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है कभी भी न्यूमेरिकल को समझने के लिए। कौन सा टॉपिक लेने चल रहा हूँ समझो, सब्सक्रिप्शन में
मिसिंग हेड के टॉपिक को लेने चल रहे हैं इस वक्त। सर ये क्या है सर, ये तो बड़ी चीज़ हो गई। अरे कुछ बड़ी चीज़ नहीं। अच्छा मिसिंग हेड में भी मेंबर्स वाला भी इंक्लूड कर लेते हैं, चलो मज़ा ऐसे आएगा, है ना। क्योंकि आपको एक बार क्वेश्चन माइंड में हो सकता है और ये अभी के अभी क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखते हैं जरा, मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है और इस क्वेश्चन में मैं कुछ बताने चाहूँ, ध्यान से सुनना। मान लो हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है 31 मार्च 2019, एक इमेजिनरी क्वेश्चन ले रहा हूँ मैंने, यहाँ लैपटॉप पे क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो, बस सुनते चलो, ठीक है। और क्वेश्चन बोला है कि भाई 250 मेंबर हैं, देखते चलो 250 मेंबर हैं, ठीक है। हर मेंबर 1000 रुपये दे रहा है, शॉर्ट हैंड क्वेश्चन होगा, ठीक है। और लिखते हैं द रिसीट में पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ 265,000 रिसीट अ सब्सक्रिप्शन। ओके एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, रिसीट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी शो कर रहे हैं 265,000 की। भाई सीधी सीधी ना इंसाफी, क्यों रिसीट में पेमेंट बोलता है, सब्सक्रिप्शन 265,000, अगर इसको मल्टीप्लाई मार दो तो आएगा 2,50,000, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट भी है। आओ जरा उस बारे में बात करते हैं, क्या है एडजस्टमेंट, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी नोट करता हूँ और आप जल्दी जल्दी समझिएगा। पहले क्वेश्चन को ब्लैक से रखते, आंसर ब्लू से कर दूंगा, ठीक। यहाँ पे है आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018, वैल्यू दी गई है सर 40,000 रुपीज़। ओके सेकंड पॉइंट हमारे पास है, ओके रिसीव्ड एडवांस, ठीक है। एडवांस ये है डेट 31 मार्च 2019 और वैल्यू दी गई है 30,000 रुपीज़, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट हमारे पास एडवांस 31 मार्च 2018, वैल्यू दी गई है 12,000 रुपीज़। सर सवाल ये है, क्या मिसिंग लग रहा है सर, आउटस्टैंडिंग मिसिंग है सर, है कि नहीं, बड़ा सिंपल है। आओ करके देखते करना कैसे चाहिए था, अभी फॉर्मेट बना के दिखाया था, अभी बनाया था, उसी फॉर्मेट पे जाएंगे। क्या करना है सर, अच्छा सॉल्यूशन ब्लू से करना था ना, आप ब्लैक से ही करेंगे, ध्यान रखिएगा प्लीज़। तो लिखना अपने को क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपने ब्लैक से आंसर करना है, ध्यान रखेंगे। कितने का क्वेश्चन बोल रहा है, कहाँ गया भाई, 265,000 लिखो भाई, 265,000 रुपये, ठीक है। प्लस क्या प्लस करेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन कब का है, क्वेश्चन 31 मार्च 2019 का, तो जरा बताओ आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिख रहा है क्या आपको सर क्वेश्चन में, तो हमें तो नहीं दिख रहा। तो अच्छा ये बताओ रिसीव एडवांस, एडवांस एट द बिगिनिंग दिख रहा है कि नहीं, आओ देखो जरा, एडवांस एडवांस एट द बिगिनिंग सर दिखा, क्यों दिखा सर, 31 मार्च 2018 बोलो, 31 मार्च 2018 बोलो, या फिर 1 अप्रैल 2018 बोलो, बात तो एक ही है ना, और ये ईयर यही तो है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। तो क्या लिखेंगे सर, एडवांस एट द बिगिनिंग, इसको ऐड होना चाहिए सर, हम ऐड करेंगे सर। वैल्यू कितनी सर, 12,000 रुपये, आओ ऐड कर देते हैं भाई, 2,77,000, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, लेस लेस क्या करना है सर, जरा देखो एडवांस एट द एंड लेस करते हैं ना, लेस करो चलो, एडवांस एट द एंड लेस होता है, हम भी यहाँ लेस करेंगे सर। कितना सर, 30,000 लेस होना चाहिए, लेस कर दो यार, 2,47,000। ओके जी आओ सर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग सर, बिगिनिंग माइनस होता है, आओ माइनस करो, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस होना चाहिए सर, कितना 40,000 सर, लेस करो। तो इसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए सर, 2,07,000 रुपये होना चाहिए। अब आओ क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे मुताबिक कितना होना चाहिए सर, तो हमारे मुताबिक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था कितना सर, 250 मेंबर 1000 रुपये दे रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन की वैल्यू होनी चाहिए थी 2,50,000 रुपीज़। मतलब साफ सर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितने का सर, लेस कर लो ना, 43,000 रुपीज़। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, इतना ही करना है सर। अच्छा आप बोलोगे सर ये समझ तो आया, अगर अकाउंट के थ्रू हो जाए तो मज़ा आ जाए, करते हैं आओ अकाउंट के थ्रू करते हैं, क्लियर है ना। नोट बाद में करना, वापस से वीडियो देखना, सारे पॉइंट्स नोट करना, सब क्लियर होगा। अभी सिर्फ दिमाग में एक बार चीज़ों को डाल लो, हाँ ये है ना, तो आपको ना कहीं से डाउट नहीं होगा। ओके ओहो अमाउंट भी रेज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं लैपटॉप से कवर करूँगा। सबसे पहले
कंसेप्ट की बात करते हैं। सर अकाउंट की बात हो रही, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है प्रीपेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट, फिर आप ऐसा दिखोगे अरे बार क्या पूछ लिया, नहीं करना। अरे सिंपल है ना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बोल रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, स्केल से खींचना है ना, ऐसा नहीं बस खींच दो तुम। ये क्या है सर, पर्टिकुलर अमाउंट, ओके अगेन पर्टिकुलर अगेन अमाउंट, ओहो यहाँ तक क्लियर, वाजिवा। तो सबसे पहला कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन क्या है सर, इनकम है सर, इनकम इंक्रीज होने पे क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होने पे डेबिट करते हैं, ट्रायल बैलेंस अप्रोच से जा रहे हैं। इनकम का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है सर, इनकम का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज बी क्रेडिट, हो गया इतना ही कंसेप्ट है। जिस हेड को पढ़ के लगे इससे बढ़ रहा है, मतलब प्लस हो रहा है, जो यहाँ पे प्लस किया था क्रेडिट में डाल दो, जो माइनस किया था डेबिट में डाल दो, अपने आप बैलेंस आ जाएगा। करके दिखाता हूँ, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, ऐसे बैल मत लिखना, पूरा लिखना, लिख दुनिया पूरी अपना तो लिख रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं ऐसा नहीं वैसा। तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था 12,000, ठीक है जी, और रिसिप्टेंट पेमेंट में कितना दिखाया है, ऐसा ऐसा आप पूरा लिखना यार, ठीक है, मैं आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और कोई बात नहीं है। रिसिप्टेंट पेमेंट में क्वेश्चन में गिवन था 265,000 रुपीज़, मेरा कैलकुलेटर कहाँ पे है, थोड़ा दूर है बट मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो। अगले पॉइंट मूव करते हैं, आउटस्टैंडिंग कितना था सर, आउटस्टैंडिंग टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये हमारे पास था 31 मार्च 2018 को, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 और जो माइनस हुआ था 40,000 रुपीज़, ठीक है, ओके। और सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना शो किया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्वेश्चन बोला था 250 मेंबर हैं, 1,000 रुपये हर मेंबर देगा, तो कितना होगा सर, 250,000, ये भी हो गया। एक पॉइंट और था, एडवांस बिगिनिंग एंड वाला था, यस टू, तो यहाँ लिखना चाहिए ना एडवांस एट द एंड, कितना कितना ऑन कब सर, 31 मार्च 2019, कितना 30,000 था, ओके। और कुछ है क्या, नहीं है सर। अच्छा एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग एट द एंड होता तो क्या करते, प्लस करते, प्लस करते, प्लस करते तो इनकम इंक्रीज होती, तो प्लस प्लस तो क्रेडिट साइड, यहाँ लिखना चाहिए, आओ लिखो ना यार भाई, क्या कर रहे हैं सर, वैल्यू ले लो यार, सिंपल है, क्लोजिंग हो रही ना, क्लोजिंग ले जाओ, सिंपल, बाई बैलेंस कैरी डाउन ब्रेकेट में क्या आउटस्टैंडिंग एट द एंड लिखो, या फिर लिखो ना 31 मार्च 2019। एक मिनट का टाइम दो, कैलकुलेटर लेता हूँ और सॉल्व करते हैं इसको, ओके थोड़ी सी दूरी पे था, चिंता ना करें, मैंने जैसा बोला वीडियो में कोई कट नहीं होने वाला आज, सॉल्व करते हैं। 40,000 प्लस 250 प्लस 30, ओ ओ 40 प्लस 250 प्लस 30, क्या कर रहे हैं, 40 प्लस 250 प्लस 30, सर ये आ रहा है 320,000, अगर आप इस कैमरा कैप्चर कर पा रहा हो तो, मैंने यहाँ लिखा है 320,000 रुपये, ये वैल्यू है, माइनस 320 माइनस 12 माइनस 265, तो ये आ रहा है 43,000, जो हम लोग का आंसर भी था, समझे क्या। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, 43,000, और इस अकाउंट को हमेशा इक्वल करके क्लोज करते हैं, हो गया सर, इतनी सी तो बात है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप ये टॉपिक तो क्लियर है। मुझे वीडियो की इस कमेंट सेशन में अपना प्यार ज़रूर दिखाना, रिस्पॉन्स करना कमेंट सेशन के थ्रू कि आपको इस टॉपिक कितना समझ आया, बिकॉज मैंने जो कवर किया है आज वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड पूरा क्लियर है, आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन किस नाम से है वो आइडेंटिफाई हो गया, क्वेश्चन लग जाएगा। सर दूसरा क्या सर, वो आइडेंटिफाई करने के बाद सब्सक्रिप्शन मैंने मिसिंग वैल्यू वाला बता दिया, मेंबर वाला साथ में अटैच कर दिया, अकाउंट भी आपको बता दिया है। हाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, एक एक बात और, एक पॉइंट और लेना चाह रहा हूँ आपका, है ना, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, छोटा सा समय लेना चाह रहा हूँ बस, कृपया अगर थोड़ा समय दें, एक पॉइंट मुझे बताना है। क्या सर जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीन यहाँ तक क्लियर है, ठीक है फिर भी रेज करता हूँ, फिर बताता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा हो तो क्या करना है ना, फिर तो जाके टॉपिक कंप्लीट होगा और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देने का रिकॉर्ड कायम हो सकेगा सर, क्योंकि मेरे को कभी नहीं लगता कि आप 2 घंटे की वीडियो देख के एक टॉपिक को समझने की कोशिश करें, भाई 2 घंटे समझते समझते पहली ब्रेकडाउन में चला जाएगा, समझ में कब आएगा। तो देखो यार, अगर क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड, ठीक है, देन आफ्टर क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो तो आज जो जो बातें करी हैं सब ध्यान रखना, एक्सपेंस क्या है, जनरल नेचर का है, स्पेसिफिक नेचर का है, फंड का ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किस नाम से उस क्वेश्चन को बोला गया है, लोग नहीं ध्यान देते आप, लेकिन अब ध्यान दोगे। और तीसरे नंबर पर हम जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट,
ठीक है जी, ये इतना कर लिया तो ये चैप्टर आज के आज फिनिश ऑफ होना चाहिए। अब क्या करना है सर, वीडियो कंप्लीट कर ली, कमेंट सेक्शन में लिख दो टॉपिक कितना समझ में आया, मज़ा आया कि नहीं आया, ये कर लेने के बाद, हाँ लाइक तो आपको करना ही था वीडियो। अब इसको करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपके लिए ये होगा, ये वीडियो को वापस से प्ले करके नोट्स बनाना, जितने पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं सारे पॉइंट्स नोट कर लेना। देन आफ्टर वीडियो कंप्लीट हो गई तो आप 15-20 मिनट का रिलैक्सेशन लो, उसके बाद बैठ जाओ और अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन पिक करके सॉल्व करने की कोशिश करो। आई बिलीव आप ऐसा ज़रूर करेंगे। मिलता हूँ बहुत जल्द आपके अगले कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।